हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनफिटेंस। इनफिटेंस में आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग के सामने लाया हूँ जेब जुक बार 9550 का रिव्यू। मैं जैसा कि बता दूँ आपको कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ जेब जुक बार 700, जो कि काफ़ी ही अच्छा साउंड है। एक होम थिएटर जो होना चाहिए वो होम थिएटर है। इसमें आपको मूवी थिएटर का भी फीलिंग आएगा। काफ़ी अच्छा इसका साउंड आउटपुट है। स्पेशली जो आपका डायलॉग डिलीवरी होता है वो काफ़ी ही अच्छा है। इसमें आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। इसका अपडेटेड वर्जन आपका लॉन्च हुआ है मार्केट में, जो कि जेब जुक बार 9550 वायरलेस है। ये टोटली वायरलेस है। ये एक्चुअली 5.2 होम थिएटर है। इसमें आपको दो सब वूफर मिल जाते हैं। सब वूफर मीन्स आपको जो आउटपुट देता है वो आपको एक सब वूफर 125 वाट का आउटपुट देता है, तो दो मिलकर आपको 250 वाट का आउटपुट दे दिया। और दो रियर सेटेलाइट है जो 75 वाट का है, जो काफ़ी ही कॉन्फ़िगर होता है, काफ़ी अच्छा ही कॉन्फ़िगर हो जाता है ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ से आपका साउंड बार के साथ। इसमें आपको जैसा कि आप देख रहे हैं 125 वाट का दो स्पीकर है, और इसमें जो साउंड बार है, साउंड बार में टोटल तीन स्पीकर लगे हुए हैं। एक स्पीकर जो है आपका 75 वाट का है, तो आपस में सभी कंबाइंड होकर ये टोटल जो आउटपुट देता है 625 वाट का आउटपुट देता है, जो कि साउंड काफ़ी ही अच्छा क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड करता है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइसिंग है अभी 19,000-20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, और जो मैं पहले से परचेस कर रहा हूँ 700 जुक बार, उसका प्राइसिंग मैं जब लिया था तो 15,000 अप्रॉक्स था। और ऑफ़र टाइम में भी ये आपको फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंड करता है। तो आप जा सकते हैं जेब्रोनी की ओर। जो भी डिस्क्रिप्शंस है मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है, तो वीडियो आप अच्छे से देखें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।